हेलो बच्चों, वेलकम टू शंभू स्टडजोन। और सभी लोग कैसे आई हो, सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किस बारे में, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के सभी फॉर्मूलाज के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इसके अंदर ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, पर बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। क्यों रहते हैं, बिल्कुल नहीं रहोगे इस वीडियो के बाद। देखो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के अंदर ना आपको मेनली क्या है, चार बातें, पाँच बातें, छः बातें, कुछ ज़्यादा बातें नहीं है, ठीक है। कुछ बातें कर रही हैं, देखते हैं क्यों बताऊँ पहले, अभी देखते हैं, बात करते हैं। देखो फोर्स हमारा होता है, सबसे पहली बात ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के अंदर। देखो फोर्स हमारा होता क्या है, फोर्स हमारा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बच्चे कहेंगे ये क्या बोल रहे सर आप, बिल्कुल मैंने पढ़ाया है, ठीक है। फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब बच्चे कहेंगे मोमेंटम का तो सब बताऊंगा। देखो पहली बात तो फोर्स क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, ठीक, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, और आखिरी में हमारा क्या आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो कुछ बातों को समय बोर्ड पर एक साथ लिखूंगा, ठीक है। तो आई होप चलो पहले बार जरूर पढ़े होंगे, और जो नहीं पढ़ा है, ठीक है, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है, और जो पढ़ चुका है ना उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। देखो फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। और मोमेंटम क्या होता है, पी हमारा क्या है, मोमेंटम है। यहाँ पर पी क्या मोमेंटम है, चैप्टर के अंदर मेनली आपको फॉर्मुलेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। थ्योरी नहीं पढ़ाने आपका, मैं आपका पता है पढ़ाने भैया आपको आराम से इजीली सारे इतने हमारे होते हैं इसके अंदर फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूला कौन कौन से हैं, पहली बात तो तुम जान लो फोर्स हमारा होता क्या है, बता रहा हूँ। पर इसके बाद तुम जानोगे मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अब देखो बता दो तुमको फंडा सारा यहाँ पर, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास कितना है, मास एम का है, ठीक। स्पीड इसकी कितनी है, यू है। स्पीड कितनी है इसकी, यू है। ये मास एम वेलोसिटी कितनी होगी, बाद में मान लो वी हो गई, कितनी हो गई, v हो गई। पहले कितनी थी, u थी, बाद में कितनी हो गई इसकी, v हो गई, ठीक है। क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज आया, ठीक है। तुमको सब बता दे रहा अभी साथ, तुमको बस फॉर्मूला लिखना शुरू करूँ, तुम कहोगे अरे सर कुछ था ही नहीं इसके अंदर। देखो मास कितना m है, वेलोसिटी कितनी इसकी, u है, बाद में कितनी हो गई, मास m ही रहा ना, मास चेंज होगा नहीं ऑब्जेक्ट का, और वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी, v हो गई। कितनी हो गई, v हो गई, ठीक। अगर इसकी वेलोसिटी चेंज, कुछ ना कुछ एक्सेलरेट किया होगा, बिल्कुल कुछ ना कुछ ये एक्सेलरेट किया होगा। अब देखो मोमेंटम क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मास और कितनी वेलोसिटी से वो चल रहा है उसका प्रोडक्ट जो होता है ना, वही क्या होता है, मोमेंटम होता है। मोमेंटम क्या होता है, पी इक्वल टू एम वी, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर बात, बिल्कुल होगी। अब चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, यानी कि डेल्टा पी क्या होता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, बिल्कुल। अब पी फाइनल क्या होता है और ये पी इनिशियल क्या होता है, यानी कि मोमेंटम आपका बाद में कितना है और मोमेंटम आपका पहले कितना था, उसी की बात है। तो पी फाइनल हमारा कितना है, मास कितना है, एम है, वेलोसिटी कितनी, वी है, यानी कितनी है, एम वी है। और पहले कितनी थी, मास एम ही था ना, और वेलोसिटी कितनी थी, यू थी, तो कितनी थी, एम यू थी। हमारा कितना आ गया, एम इंटू वी माइनस यू, दिस इज योर क्या है आपका चेंज इन मोमेंटम। ये क्या आपका चेंज इन मोमेंटम, नोट डाउन करके इसको अपने मस्तिष्क के अंदर बसा लो, ठीक, इसको एकदम रट के रख लो। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, एम वी माइनस एम यू, बिल्कुल क्लियर बात है ना, बिल्कुल क्लियर कट बात है, ठीक है। कुछ दिक्कत के बाद इसके अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब देखो मोमेंटम जान गए हम ना, और हमने क्या जान लिया, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, हमने ये भी जान लिया। अब देखो फंडा क्या आता है, हमारा आता है फोर्स। फोर्स क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब क्या, डेल्टा पी हम जानते ना कितना हमारा, कितना आया, एम वी माइनस यू अपॉन टी। अब देखो जो टी है ना, वी माइनस यू अपॉन टी क्या है, ये क्या है, यहाँ देखो तुम समझाता हूँ तुमको मैं। हमने पढ़ाया क्या, काइनेमेटिक्स की तीन इक्वेशन कौन कौन सी होती हैं, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। हमने तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस को आराम से डिस्कस किया है, पढ़ा हुआ है, बिल्कुल पढ़ा है ना, बिल्कुल पढ़े हैं। जो पहली ना, पहली वाली इसको देखो, जो पहली वाली इसको देखो, इसमें क्या बता रहा है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूँ तो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, यहाँ देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू इधर ले आओ, वी माइनस यू इक्वल टू ए टी, टी नीचे ले आओ, वी माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू ए, वी माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू ए। लिखा है कि नहीं लिखा है, मैं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। हमने क्या किया, v माइनस यू अपॉन टी को मैंने पूरा क्या लिख दिया, a लिख दिया, ठीक है। अब क्या निकला आपका, निकल आया फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। यही तो बात करते हो आप लोगों ने दिन भर सुबह शाम तक, फोर्स हमारा क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है ऑब्जेक्ट का, ये, और वो कितने कितने से एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन कितना है ये, तो इसका इसका जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा आपका, फोर्स होगा।
और इसका सर क्या होगा, आपका मोमेंटम होगा। इतनी बातें क्लियर है? बिल्कुल होंगी। चलो इनके बारे में बात होगी। अब बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम पे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर हम लोग क्या है बात करते हैं। अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कर रहा है, इसको रफ कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, पूरा मैं रफ कर दे रहा हूँ ताकि आपको मतलब बात समझा पाऊँ कैसे फटाफट जल्दी से। तो देखो आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, फोर्स हमारा क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, ठीक। तो मेनली इतनी बातें थी आपकी, इससे सवाल आपका आराम से क्लियर हो जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन मोशन आप लोग पहले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं एकदम कायदे से, एकदम आपने कायदे से चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है क्या, बड़ी ही प्यारी चीज़ है, बड़ी ही प्यारी चीज़ है, बड़ी ही न्यारी चीज़ है, ठीक है। इसमें होता क्या है ना, दो ऑब्जेक्ट है, देखो ऑब्जेक्ट ए एम वन का है, ये क्या है ऑब्जेक्ट टू एम टू मास का है, ठीक है। इस सॉलिड कितनी मान लो यू है, इसकी कितनी है मान लो या यू सॉरी मान लो इसकी यू वन, इसकी कितनी है यू टू है, इसकी सॉलिड कितनी यू वन, इसकी सॉलिड कितनी है यू टू है, ठीक। दोनों चल रहे हैं, मान लो यू वन इज ग्रेटर देन यू टू, इसकी वैल्यूटी क्या है ज़्यादा है इससे, तो क्या होगा कुछ समय बाद क्या होंगे, दोनों इससे लड़ जाएंगे, कोलाइड करेंगे, ठीक है, कोलिजन होगा बीच में दोनों के, ठीक। ये क्या मास m1 है, ये मास m2 है, लड़े लड़े मत के दोनों अलग हो, जब अलग होंगे ना तो क्या होगा, इनकी वैल्यूटी चेंज जाएगी, ये भी चल रहा है ये भी चल रहा है, बट कितने से, इसकी हो जाएगी वी वन, इसकी हो जाएगी वी टू, और मास कितना रहेगा भैया, वही रहेगा m1 m2 रहेगा, नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा, मास चेंज हो नहीं रहा ना, हाँ फिर समय आ गया ना, एक कोलिजन वाला खेल है, कोलिजन वाला। हमने इसको U1 को U2 से ज़्यादा क्यों रखा, क्यों, अगर इसकी लिटी से ज़्यादा तो भी लड़ेगा ना, अगर कम होगी तो क्या होगा, तो पिछड़ चलता जाएगा आराम से, और सेम होगी तो क्या होगा, अभी लड़ेंगे नहीं, डिस्टेंस मेंटेन है, वो मेंटेन रहेगा हमेशा, ठीक। चलो बात करते हैं इसका, चेंज मोमेंटम होता क्या है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इसको टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यानी कि इनिशियल मोमेंटम, सीधी बात, इनिशियल मोमेंटम इसको टू फाइनल मोमेंटम, धर लो दिमाग में, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इस तरीके से आप सही फॉर्मूलों को धाराशाही कर सकते हो, फॉर्मूला कहना, ठीक है, आप सभी न्यूमेरिकल्स को आराम से इजिली कट कर सकते हो, धाराशाही कर सकते हो, एकदम सॉल्व कर सकते हो, कैसे आपको पता चल गया ना, क्या पता चल गया, फोर्स क्या होता है हमारा, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मोमेंटम कितना होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, वी माइनस यू होता है, पता चल गया ना, बिल्कुल चल गया पता, ठीक है। तो आपको इतने फॉर्मूले जो है हमेशा याद रखने, अगर ये बातें क्लियर हो गई तो मैंने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है, सही बातों को नोट करो, पढ़ते रहो, ठीक है। और सभी लोग काम किया करो ना यार, क्या कि जो आप न्यूमेरिकल्स मैंने वीडियो लगवाए हैं, ठीक है, मैंने काफ़ी न्यूमेरिकल्स यहाँ पे लगवाए हुए हैं, जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो को या फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं उनको बता दें कि हमने एनसीईआरटी के सभी न्यूमेरिकल्स में सॉल्विंग की, किसमें लाइव क्लासेस के अंदर, तो उन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई, आप चाहें जाकर उनको चेकआउट कर सकते हैं, जो बच्चे तो कुछ भी सॉल्व नहीं किए हैं ना, अगर आप उतने न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो आपकी इजीली चीज़ें बन जाएंगी। और पहली बात रही इन सब के बारे में, तो ये क्विक रिवीजन के लिए है, इसके द्वारा क्या होगा आपको बहुत ही बेनिफिशियल, किस लिए है आपको रिवीजन के लिए है, ठीक है। और आप इन वीडियोस देखते हो तुम्हारा, हमने किस तरह किया, हमने किया ग्राफ के बारे में, और किस हमने किया, तब हमने किया किस पे, इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी इक्वेशन मोशन कह रहा हूँ मैं, हमारी मोशन चैप्टर के सही फॉर्मूलाज के बारे में। तो हमने मोशन कंप्लीट कर लिया, हमने फोर्स आज हमने कंप्लीट कर लिया, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को, हमारा अगला रहा है किस पे, ग्रेविटेशन के ऊपर। तो देखो आपको क्या करना है, इन सभी को रिवाइज कर चलना है, और जो पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पर इन चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलना है, ठीक है। तो आपको मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सारी वीडियोज़ क्या हो जाए जल्दी जल्दी से अपलोड हो जाएँ, जल्द से क्या हो सके आपका पूरा रिवीजन जो है झटाक से इतने स्पीड के साथ हो सके, ठीक है। तो आपको अगर ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो, ठीक है, क्विक रिवीजन सीरीज़ आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को लाइक कर दो यार, ठीक, और अपने दोस्तों के साथ, सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, क्यों, ताकि उनका भी क्या हो सके, थोड़ा सा हेल्प हो सके ना, आप लोग हेल्प कर सको उनकी भी, क्यों, देखो इससे क्या होगा ना कि जो टॉपिक वो डेढ़ हफ्ता दो हफ्ता लगा के पढ़ते, ठीक है, उसको मैंने क्या किया है 10 मिनट के अंदर कंप्लीट किया है, तो अगर वो भी इस वीडियो को वॉच करते हैं उनमें क्या होगा, बहुत ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है, उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी। जो बच्चे तो कुछ भी नहीं पढ़ेंगे उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं, 2-3 बार देख लेते हैं, तो उनको भी बातें क्लियर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक, कुछ तो नहीं है यार, कुछ फॉर्मूले हैं, बाकी क्वेश्चन ऑफ मोशन है जो उन्होंने पिछले पेपर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो दोनों को कंबाइन होकर इसके अंदर न्यूमेरिकल्स आते हैं, पहली बात,
दोनों कंबाइन होकर के न्यूमेरिकल्स आते हैं। और कुछ पॉइंट अगर छूटा भी है ना, एक दो पॉइंट, तो वो भी आपको मिल जाएगा आगे वीडियो आने वाले के अंदर, ठीक है। तो एक काम करो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और सभी लोग जुड़े साथ हमारे साथ ना यार। अगर आपको लगता है कि हमको पढ़ना है सर और आगे पढ़ना है, ठीक है, तो सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर, सब लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सभी टाटा बाय बाय।